तो देखिए अलीगढ़ में किस तरीके से हमला बोला और अलीगढ़ के तालों का जिक्र करते हुए ये भी कह दिया अखिलेश यादव ने कि अलीगढ़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी पर ताला लगाने की काम करेगी। आपको बता दें अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं और ओजीओपी में भी अलीगढ़ के ताले आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मथुरा की मांच विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं इस समय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। सर बताइए आज यहाँ पर आप माट विधानसभा में आए हैं, किस तरह से माट की जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने जा रही है, ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। यहाँ पर एक विधायक हैं वो लगभग 35-40 साल से यहाँ पे कब्जा किए हुए, किस तरह देखते हैं इसको आप? इस बार जो कब्जा था वह कब्जा हटेगा और यहाँ की जनता किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, व्यापारी के सवाल में गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाठर को जिताने जा रही है। सर भाई मिशन यूपी 2022 के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी ताबड़तोड़ दौरा और जनसंपर्क कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने आज अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता से कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो प्रियंका गांधी जिन्होंने इस बार उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए तमाम कोशिशें की हैं और लगातार वो चुनाव प्रचार में भी पूरी तरीके से जुटी हुई हैं, खासकर चूंकि पहले फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी भी लगातार जिले दर जिले जाकर, विधानसभावार जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। अपने अलग अंदाज में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। जनता से सीधे रूबरू होती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और इस दौरान उनके साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस ने आज लखनऊ से चुनाव प्रचार के लिए एलईडी वैन रवाना की। इसके जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के वादे को जनता तक ले जाएगी। वैन पर एलईडी स्क्रीन लगी है। वहीं गाड़ी के फ्रंट पर लड़ेगा बढ़ेगा जीतेगा यूपी स्लोगन भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये है एलईडी वैन जो कि कांग्रेस की है। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के अलग अलग नए नए तरीके ईजाद कर रही है और वही तरीके दिखाने की कोशिश कर रही है और अपना जो वोट बैंक है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस ने आज से प्रदेश भर के लिए अपनी एलईडी वैन को रवाना किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रचार के लिए जो वैन है इस समय मौजूद है, एक वैन सामने दिख रही है जिस पर जो पार्टी के संदेश हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। जो शक्ति विधान यानी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है या फिर बात करें युवाओं के लिए जो भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी किया था प्रियंका गांधी ने उसको इन स्क्रीन पर चलाया जाएगा। जो नारा दिया है लड़कियों लड़ सकती हूँ वो इन स्क्रीन पर नजर आएगा। आप देख सकते हैं ऐसी कुछ और वैन जो है यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और इस समय इन वैन्स को अगर रवाना करने की बात करें तो जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं सतीश अजमानी उन्होंने यहाँ पर झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस तरह से वैन निकलने जो गीत एक लॉन्च किया था कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर वो गीत इन पर चलेगा और इस समय बात करें तो सतीश अजमानी जी हमारे साथ में ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर ये जो प्रचार वाहन रवाना किए, कितने वाहन रवाना किए और कहां कहां जाएंगे? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में 200 गाड़ियां हमारी जा रही हैं, गाड़ियां पहुंच गई हैं बहुत सी गाड़ियां और यही गाड़ियां फिर थर्ड और फोर्थ में जाएंगी, ये इसी तरीके से आगे गाड़ियां बढ़ती रहेंगी। तो सर इन गाड़ियों पर क्या दिखाया जाएगा जनता को? इसमें जो भी आज तक के कांग्रेस पार्टी के काम हैं, जो प्रियंका जी के द्वारा मीटिंगें की गई या जहां जहां वो गई पीड़ितों को, परेशान लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए, जो जो कार्यक्रम आज तक हमारे हुए हैं वो सब इनमें दिखाए जाएंगे। क्या जो वर्चुअल कार्यक्रम हो रहे हैं पार्टी के उनका भी प्रसारण होगा इस पर? निश्चित रूप से उनका भी वर्चुअल भी होगा, वर्चुअल भी होगा। जिस तरह देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले 403 विधानसभाओं में अपनी एलईडी वैन रवाना की थी, अब कांग्रेस इतने दिन बाद कर रही है जब चुनाव बिल्कुल करीब है, लगता नहीं है कुछ देरी कर दी? देरी नहीं, हमारी तो गाड़ियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, जा चुकी हैं, लेकिन ये यहाँ से स्टार्टिंग का एक आपको वो दिखाना था इसलिए इसको आज किया। गाड़ियाँ तो हमारी काम कर रही हैं। आगे चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है, बहुत अच्छा, दिन पर दिन हमारा माहौल और अच्छा होता चला जा रहा है।
ये तुम्हारे साथ में सतीश अजवानी जी, जिनका कहना है कि गाड़ियां पहले से ही कई जगह पहुंच चुकी थी, लेकिन आज औपचारिक तौर पर इनको लखनऊ के जो प्रदेश मुख्यालय है कांग्रेस का, वहां से रवाना किया गया है। और पहले और दूसरे चरण के लिए इन वैन्स को रवाना किया है, करीब 200 वैन है। उसके बाद पहले दूसरे चरण के बाद ये वैन जो है तीसरे चौथे चरण और फिर इस तरह से आगे के चरण में जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ पर जाएंगी, जो पार्टी के काम किए हैं।